हेलो, दिस इज आवर 12th वीडियो फॉर रिवीजन सीरीज। तो इसमें अब हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन। अब इसके थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज कौन कौन से हैं? पहला तो डिफरेंट प्रॉपर बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना, मतलब डिफरेंट एंजाइम उसको ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करना, और साथ साथ डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में। तो ये तीन जगह जहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस हैं, मतलब क्रिटिकल रिसर्च एरियाज। अब क्या है बायोटेक्नोलॉजी के, ये तो रिसर्च एरियाज है जहाँ जहाँ पे रिसर्च आते हैं, मतलब बेस्ट एंजाइम प्रोवाइड करना, उसको कंडीशंस देना और डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। अब बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ लगाया जाता है, मतलब कहाँ कहाँ इसका यूज है बायोटेक्नोलॉजी का। पहला एग्रीकल्चर में इसका यूज है, एग्रीकल्चर में मतलब एग्रोकेमिकल बेस्ड, मतलब केमिकल्स वगैरह में। दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका यूज है, और साथ ही साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये सारे एग्रीकल्चर यूज है बेसिकली इसके, जेनेटिक इंजीनियर क्रॉप एग्रीकल्चर, मतलब जेनेटिक इंजीनियर्ड प्लांट बनाना, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पता है, इससे फूड सप्लाई ट्रिपल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। फूड सप्लाई हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, डिफरेंट डिफरेंट हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट प्लांट्स उनको मॉडिफाई करके हमने अलग अलग कंडीशन में यूज़ किया था, ठीक है। फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ कर हमने घटा दिया था, उसको इससे घट जाते हैं। क्या क्या कंडीशन थी हमारे आइडियल क्रॉप की, मॉडिफाई किया था हमने, मतलब मोर टॉलरेट होनी चाहिए, उसमें केमिकल पेस्टिसाइड्स कम यूज़ होने चाहिए, हार्वेस्ट लॉस कम होना चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए, और विटामिन इनरिच होनी चाहिए, ठीक है। विटामिन इनरिच जैसे गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस के बारे में पढ़ेंगे आगे। उसके आगे एप्लीकेशन क्या कहाँ पे है, टेलर मेड का मतलब होता है, टेलर मेड का मतलब वही है सिंपल, अपनी न्यूट्रिशन जीएम, मतलब उसको जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब वही है कि उसको एफिशिएंट बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले पेस्ट रेजिस्टेंट की बात करते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंट के लिए हमने पता है, हमने पहले पढ़ा था बैक्टीरिया थुरिंजिनेसिस बैसिलस थुरिंजिनेसिस, बैक्टीरिया होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बीटी का बैसिलस थुरिंजिनेसिस, ये उसका है बैसिलस कैटेगरी, मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, रॉड शेप्ड। अब क्या क्या इसके काम है, क्या कहाँ कहाँ पे, जैसे बीटी कॉटन होता है हमारा, बीटी क्रॉम, बीटी राइस वगैरह, मतलब क्या इसका हमने अलग अलग प्लांट में इसका जीन डाला होगा और उसको रेजिस्टेंट बनाया होगा। बीटी सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सबसे पहला क्या था, फर्स्ट बीटी कॉटन था, बाद में डिफरेंट डिफरेंट और भी बनाए गए, ठीक है। तो बीटी कॉटन में करता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं जो हमारे प्रोटीन्स हैं इससे बनते हैं, बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजिनेसिस से अलग अलग वेराइटी के इंसेक्ट्स को मारते हैं, लिपिडोप्टेरन सच एज टोबैको, बडवॉर्म, आर्मीवॉर्म, कोलियोप्टेरेंस बीटल्स के लिए, और डायप्टेरेंस इन इन मतलब इन इन जीनस को, इन स्पीसीज को जो हमारे फाइलम है, इन इन फाइलम्स को हमारा जो है ये इसके बैक्टीरिया के प्रोटीन जो उनको मार देंगे। डायप्टेरेंस के हम फ्लाई मॉस्किटोज वगैरह, ठीक है, इन सबको मारते हैं, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स रिलीज करता है, जिनको बोलते हैं प्रोटोटॉक्सिन होते हैं, इनएक्टिव प्रोटीन। पहले होते हैं प्रोटॉक्सिन, देखिए प्रोटॉक्सिन होते हैं इनएक्टिव टॉक्सिन, क्या होता है जब क्या है कोई ऑर्गेनिज्म आएगा, ऑर्गेनिज्म कौन सा आता है, मॉस्किटो, ये सब जैसे इंसेक्ट्स वगैरह आएंगे तो क्या रहता है, ये प्रोटीन नॉर्मल तो इनएक्टिव रहता है, लेकिन जो एल्कलाइन पीएच ऑफ गट होता है ना इंसेक्ट की, जब एल्कलाइन पीएच गट होता है इंसेक्ट की, उसके अंदर जाएगा उस क्रिस्टल्स को, ये एक्टिवेट रहेंगे, उसकी मिड गट जो होगी उसको मिड गट से बाइंड होकर उसको उसमें होल्स बना देंगे, और क्या कर देंगे, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी इंसेक्ट की। ये तरीका इनका मारे, किन किन स्पीसीज को मारते हैं, लिपिडोप्टेरन, टोबैको, बडवॉर्म, आर्मीवॉर्म, डायप्टेरन्स, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, फ्लाइज वगैरह, और डायप्टेरन्स और कोलियोप्टेरन्स बीटल्स के लिए, ठीक है। अब इसमें जीन्स होते हैं अलग अलग टाइप के, बीटी बैसिलस थुरिंजिनेसिस में अलग अलग जीन होते हैं, इस जीन को तो बोलते हैं क्राई जीन, ये क्राई है जो छोटा वाला क्राई, एक होता है बड़ा वाला क्राई CRY, ये प्रोटीन के लिए होता है, क्राई प्रोटीन के लिए होता है, ठीक है। और जीन के लिए मतलब ये वाला तो प्रोटीन के लिए होता है, और CRY ये होगा जीन के लिए। कौन कौन से जीन होंगे, क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकंड AB, कॉटन बॉलवॉर्म के लिए, और क्राई फर्स्ट AC AB कॉर्न बॉर्म के लिए, कॉर्न बोरर, ठीक है, क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकंड AB कॉटन बॉलवॉर्म, और क्राई फर्स्ट AB कॉर्न बोरर, ठीक है। उसके बाद क्या पेस्ट रेजिस्टेंट में एक और एग्जांपल है इसका, टोबैको प्लांट्स के लिए, टोबैको प्लांट्स की जो रूट्स को इन्फेक्ट करता था एक नेमेटोड था, मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया, ठीक है, ये क्या करता था, उसकी रूट्स को इन्फेक्ट करके वहाँ पे उसको रूट को खराब कर देता था, जिससे प्रोटेक्शन लग जाता था। यहाँ पे हमने आर ने इंटरफेरेंस टेक्निक यूज की, मतलब क्या था, सिंपल क्या है, जो बैक्टीरिया था, वो जो भी इंसेक्ट, जो भी हमारा निमेटोड था, वो प्लांट को खाता था, उसके क्या था, नॉर्मली हमें पता है बॉडी फंक्शनिंग में, मॉलिकुलर थ्योरी में पढ़ा हमने, DNA से RNA बनता है, mRNA वगैरह, RNA सिंगल स्ट्रैंड होता है, वो आगे प्रोटीन बनाता है और बॉडी फंक्शनिंग होती है। अगर हम उस RNA को डबल स्ट्रैंडेड बना दें और उसको डिस्ट्रॉय कर दें, जैसे हमने पढ़ा था कि सिंगल स्ट्रैंड ही क्यों RNA में ट्रांसलेशन में हेल्प करती है, ट्रांसक्रिप्शन में सिंगल स्ट्रैंड ही होती है, इसलिए आती है क्योंकि डबल स्ट्रैंड RNA बन जाएगा तो वो इनएक्टिव हो जाता है, तो वही करते हैं यहाँ पे, उसके अंदर पेस्ट रेजिस्टेंट जीन डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, कौन सा
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेस्ट रेसिस्टेंट जीन डाल देते हैं, जिससे क्या रहता है आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनते हैं उसका, और क्या रहता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन के वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है और उसको इनएक्टिव कर देता है, एंजाइम से काट देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा और उसको काट दिया जाएगा। अब इसके सोर्स क्या हमारे पास आरएनए इंटरफेरेंस के लिए हमें कौन कौन से जीन्स चाहिए, जो उसका सोर्सेज क्या हमारे पास ट्रांसपोसोम्स हैं और आरएनए इंटरमीडिएट्स, ट्रांसपोसोम्स मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स इनको बोलते हैं, वो जीन्स जो जीन्स वो जीन्स जो क्रोमोसोम में क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं इधर से उधर, ठीक है। वेक्टर कौन से यूज करता है प्लांट्स में पता है एग्रोबैक्टीरियम टूनिफेशियम वेक्टर यूज करते हैं, नेमाटोड स्पेसिफिक जीन्स हमने डाले और उससे हमने आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक से जीन को साइलेंस कर दिया, साइलेंसिंग बोलते हैं आरएनए साइलेंसिंग और आरएनए इंटरफेरेंसिंग, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना या उसको काट देना सिंपल स्पेसिफिक आरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए, ये टेक्निक इंपॉर्टेंट, दिस मेथड इन्वॉल्व स्पेसिफिक और स्पेसिफिक साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, साइलेंस करते हैं स्पेसिफिक आरएनए को नेमाटोड, और इससे क्या होता है दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्ट करती हैं, इस केस में दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्ट करेंगे और इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कट जाता है, ठीक है। अब क्या है मेडिसिन में क्या क्या यूज करते हैं, मेडिसिन में इंपॉर्टेंट डेटा कि ह्यूमन हमारे पास जो है 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स मतलब मेडिसिन है और इंडिया में कितनी है ओनली 12, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा है। उसके क्या कौन सबसे पहले कौन सा बैक्टीरिया कौन सी मेडिसिन बनाई गई थी जेनेटिक इंजीनियर, सबसे पहले जो जेनेटिक इंजीनियर से मेडिसिन आई गई उसका नाम था इंसुलिन। इंसुलिन क्या हार्मोन होता है जो कि डायबिटिक पेशेंट में होता है, उससे पहले इंसुलिन कहाँ से निकाला जाता था स्लॉटर्ड एनिमल से, एनिमल्स मतलब जो पिग वगैरह होते हैं स्लॉटर्ड एनिमल्स उनसे निकाला जाता था, ठीक है। बट उसका क्या दिक्कत थी, उससे क्या होता है इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता था, क्योंकि बाहर का फॉरन पार्टिकल आ रहा है तो उससे इम्यून रिस्पॉन्स होता जिससे वो एलर्जीज वगैरह क्रिएट करता था, बाद में जेनेटिक इंजीनियर से बनाना शुरू कर दिया। अब जेनेटिक इंजीनियर में कैसे बनाते हैं ये स्लॉटर्ड बियर्स पैनक्रियाज से उनकी। अब जेनेटिक इंजीनियर नेचुरली हमारी बॉडी में इंसुलिन कैसे बनता है, उसमें तीन पेप्टाइड्स होते हैं ए बी सी, सी पेप्टाइड भी लगा होता है इनएक्टिव इंसुलिन में, ऐसा होता है ये ए पेप्टाइड होगा ये सी पेप्टाइड होगा ये बी पेप्टाइड होगा, ये सीक्वेंस रहता है, ठीक है। जब एक्टिव होता है इंसुलिन तो क्या होता है उसमें सी पेप्टाइड निकल जाता है और एक्टिव इंसुलिन बन जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं बीच में, तो ये तो नॉर्मल टेक्निक है। अब कहते हैं हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए से ऐसे बनाई, कंपनी थी 1983 में एली लिली अमेरिकन कंपनी थी, इसने दो डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस लिए मतलब दो डिफरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स बनाई, रेड स्ट्रैंड से प्रोटीन बनाया दो डिफरेंट बैक्टीरिया की कॉलोनी बना के ई कोलाई की, एक में ए पेप्टाइड बनाया एक में बी पेप्टाइड बनाया और बाद में उसको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, याद रखिएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। ये थे इंसुलिन की। अब आते हैं जीन थेरेपी, जीन थेरेपी करता है सिंपल किसी भी तरह का जीन मैनिपुलेशन करना सेल्स के अंदर, उसको बोलते हैं जीन मैनिपुलेशन। अगर ये क्या कहते हैं एम्ब्रियो लेवल पे कर सकते हैं हम, तो ये एम्ब्रियो लेवल पे कर सकते हैं और बड़े होने के बाद भी कर सकते हैं, बट क्या रहता है अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में की जाए तो क्या होता है परमानेंट मेथड बन जाता है, मतलब एक बार कर देंगे हमें बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी स्टेज में जाते हैं रेगुलर जीन थेरेपी जो होते हैं पर हर इन रेगुलर जीन थेरेपी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में। पहली बार जीन थेरेपी कब की गई थी 1990 में की गई थी, एक चार साल के घर के लिए जिसको थी ADA डिफिशेंसी एडिनोसाइन डीएमिनेज डिफिशेंसी, जो मतलब क्या करता है इससे क्या होता था मेंटल रिटार्डनेस, ये क्या काम करता है इससे इम्यूनिटी कम हो जाती थी, लो इम्यूनिटी इस एंजाइम की डिफिशियंसी से इम्यूनिटी कम हो गई थी जिस वजह से उसको सर्वाइव करना मुश्किल होता। इस केस में मतलब क्या था उसके दिक्कत क्या हुई होगी डीएनए में उसका डिलीशन हो गया, वो जो एडिनोसाइन डीएमिनेज का जीन था ना वो डिलीट हो गया होगा, जिस वजह से हमने ने क्या किया उसके बोन मैरो वगैरह ट्रांसप्लांट करके उसके जो ल्यूकोसाइट्स थे उसमें हमने उस ल्यूकोसाइट्स को निकाला उस सेल के अंदर ये जीन डाला, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एंजाइम सिंपल डाल देना एंजाइम्स को और उसको बाद में उन ल्यूकोसाइट्स को ट्रीट करके के सी डी एन ए मतलब वायरस हमने अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए से डाल दिया उस जीन को और बाद में उसको उसकी बॉडी वापस डाल दिया, मतलब क्या लिया सेल्स लिए उसकी बॉडी के WBC उसको मॉडिफाई किया ग्रो किया और बॉडी के अंदर डाल दिया। लेकिन क्या हमें पता है WBC एक डेढ़ हफ्ते मर जाते हैं तो हमें रेगुलरली करना पड़ता है फिक्स इंटरवल में, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन। और वायरस वेक्टर कौन सा यूज़ किया हमने रेट्रोवायरस, एनिमल में पता है रेट्रोवायरस यूज करते हैं, और अगर अर्ली स्टेज में करते हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो ये परमानेंट की ओर बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डायग्नोसिस टेस्ट में क्या क्या यूज होता है, डायग्नोसिस टेस्ट में अगर हम अर्ली स्टेज पहले की बात करें पहले हम क्या क्या यूज करते हैं सीरम और यूरिन वगैरह यूज करते हैं, जिससे क्या होता था ये बहुत क्या होता है अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं था इनमें, मतलब एक बार सिम्टम्स आने शुरू हो जाते तब पॉसिबल था,
तो हमने क्या किया, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करी, कौन कौन सी, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एड्स के लिए होता है, ये करते हैं अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। सबसे ज्यादा प्रिसाइज PCR है। PCR सिंपल क्या करेंगे, हम वायरस का DNA अगर हमारे ब्लड में है उसे अगर PCR में PCR टेक्निक से यूज PCR टेक्निक लगाएंगे उस पर, तो अगर जो DNA मॉडिफाई हो जाएगा मतलब अमाउंट बढ़ जाएगा उसका अमाउंट, जिससे हम पता चल जाएगा कि हमारे ब्लड में कोई वायरस है, किसी भी तरह का वायरस, उस DNA को का जब हम उसका क्या करेंगे, उस DNA की का एम्प्लीफिकेशन कर देंगे, HIV डिटेक्ट करने में यूज होता है, HIV पेशेंट्स में एड्स डिटेक्ट करने में। ये सबसे एडवांस टेक्निक है, उससे कम एडवांस टेक्निक क्या है, ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसी। इसमें क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करके हम पैथोजन का पता लगाते हैं। अब क्या आता है, प्रोब पे क्वेश्चन आता है, प्रोब क्या होता है, अब प्रोब क्या होता है, सिंगल DNA और RNA स्ट्रैंड जिसमें रेडियो एक्टिविटी होगी, विद रेडियो एक्टिविटी, ये डेफिनेशन आती है रेडियो एक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, टैग्ड विद रेडियो एक्टिविटी, इसको बोलते हैं प्रोब। इसको हम ऑटो रेडियोग्राफी में यूज करते हैं, मतलब क्या करते हैं, ये पता करने के लिए कि किसी DNA जीन के अंदर म्यूटेशन तो नहीं है, मतलब क्या करते हैं हमें उस जीन का हम जिसके अंदर चेक करना है, हमें पता होगा उसका सीक्वेंस क्या है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री हम प्रॉप बना लेंगे और उससे हाइब्रिडाइजेशन करा के देखेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो हमें ऑटो रेडियोग्राफी में पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो मतलब उसके अंदर किसी तरह का म्यूटेशन आ गया, ठीक है, फोटोग्राफी फिल्म बदल जाता है, तो इसलिए म्यूटेशन चेक करने होते हैं। बाद में क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं, किस लिए बनाया जाता है, एनिमल्स को मॉडिफाई करा जाता है, किस किस लिए कर सकते हैं, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी पता करने के लिए कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो चूहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंट और भी हम बना लेते हैं मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजी स्टडी करने के लिए और प्लांट उसकी इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन वगैरह की कैसे कैसे काम कर रहा है बॉडी में, ये सारी चीज़ें स्टडी करने, नॉर्मल फिजियोलॉजी जैसे डिजीज की स्टडी करने के लिए उस पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मतलब सिंपल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट मतलब किसी प्रोडक्ट प्रोटीन वगैरह बनाने के लिए, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ दे रखे हैं, एक अल्फा एंटीट्रिप्सिन दे रखा है एम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट के लिए, अल्फा एंटीट्रिप्सिन, और क्या दे रखा है, सिस्टिक फाइब्रोसिस और फिनाइलकेटोन। एक 1997 में केस दे रखा है, एक फीमेल ट्रांसजेनिक काउ थी रोजी, उसमें क्या था, प्रोटीन प्रोडक्शन बढ़ाया गया था, मतलब जब प्रोटीन की प्रोडक्शन बढ़ाई गई थी कैसे, उसके मिल्क क्या किया, मतलब फिनाइलकेटोनुरिया और इस सब डिसीज को ट्रीट करने के लिए, अल्फा एंटीट्रिप्सिन किससे ट्रीट होती है, एम्फाइसीमा से, ठीक है। और क्या दे रखा, एक रोजी काउ दे रखा है जिसमें क्या था, उसमें क्या था, प्रोटीन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था, 2.4 ग्राम पर लीटर था, उसमें एक एंजाइम और था जो क्या था, अल्फा लैक्टो एल्बुमिन, जो क्या था ह्यूमन बेबी के लिए काफ़ी अच्छा था, मतलब बच्चे को दूध पिलाने के लिए, उसमें एक ही एंजाइम था जो कि लैक्टोस वगैरह डाइजेशन में काम करता था, अल्फा लैक्टो एल्बुमिन। तो ये दो एंजाइम, एक तो लैक्टोस के लिए मिल्क में था ही तो, और अल्फा एंटीट्रिप्सिन के लिए था एम्फाइसिन। वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट वगैरह करते हैं, पता ही आज के डेज में कोरोना वायरस के लिए टेस्ट किए गए, केमिकल सेफ्टी टेस्ट, किसी केमिकल की टॉक्सिसिटी कितनी है, कितना वो सेफ है उस चीज़ के लिए। इसमें क्या होता है, ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स होते हैं उनको उसमें ऐसे जीन डाल जिससे क्या होता है, मोर सेंसिटिव हो जाते हैं उस टॉक्सिक एलिमेंट, मतलब उसमें ज़्यादा असर होगा किस उस केमिकल का, इससे पता चलता है कि टॉक्सिटी कितनी होगी, उसमें मोर टॉक्सिक करके उस एनिमल को, मतलब ज़्यादा से दिया मोर सेंसिटिव बना के, ठीक है। उसके बाद कुछ एथिकल सोशल इश्यूज़ वगैरह भी आए इस पर, अब लगातार हम मॉडिफाई करते जा रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो इसका कुछ हो सकता है आगे चल के कुछ बेनिफिट, कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो जाए, तो इन सब चीज़ों को स्टडी मेंटेन करने के लिए जितने भी रिसर्चेस होंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एक कमेटी बनाई गई, इसको बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी, ये सारी चीज़ें मेंटेन करती थी सारी, किसी भी रिसर्च को परमिशन देना, किसी भी रिसर्च को रोकना, प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, ये सारा काम इसका था, ठीक है। उसका यहाँ पे कुछ केसेस दे रखे हैं, क्या कई बार क्या होता है, बायोपायरेसी हो जाती है। बायोपायरेसी मतलब क्या होता है, किसी ने कोई प्लांट वगैरह खोजा उसके सोर्सेस को, उसके बिना परमिशन के यूज़ करना, उसे कहलाते हैं बिना किसी पेमेंट के दिए उस बंदे को, उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। इसके डिफरेंस कई बार आती है, यहाँ पे देख हमारे को राइस की, हमें दो हमारे पास 2 लाख से ज़्यादा वेराइटीज़ हमारे पास राइस की इंडिया में, राइस के इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन है हमारा। इस पे केस भी हुआ था 1997 पे, अमेरिकन ने बासमती चावल को US पेटेंट करा लिया था, जिस वजह से था तो इंडिया का, लेकिन वो उसको बाहर उन्होंने खुद के नाम पे पेटेंट करा लिया था। पेटेंट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, जिससे होता है हमें उनको टैक्स देना पड़ता है। अब आगे क्या है, अब क्या इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया के बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं ना, हर्बल प्रोडक्ट्स, अब इंडिया उनको पेटेंट करा रहा है धीरे धीरे, वरना वो भी चोरी हो जाएंगे। हमारे पास 27 वेराइटी हैं बासमती, 27 से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज़ है बासमती की। बासमती पे क्वेश्चन आता है कि बासमती वेराइटी थी
जिसका काफ़ी अच्छी खुशबू है और यूनिक फ्लेवर है, एरोमा मतलब खुशबू और फ्लेवर है राइस की। 2,000 से 2 लाख से ज़्यादा वेराइटीज़ हमारे पास राइस की, ठीक है। तो इस चीज़ में ये सारी चीज़ें मेंटेन करता है। उसके बाद क्या, इंडियन पार्लियामेंट में क्या था, इंडियन पेटेंट बिल बनाया गया। ये क्या क्या था, सेकंड अमेंडमेंट मतलब फर्स्ट रिसर्च पे कंट्रोल कौन रखे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव कमेटी। उसके बाद क्या, इंडियन पेटेंट बिल बनाया गया। ये भी क्या काम करता है, रिसर्च पे और सारे डेटा को कलेक्ट करके रखता है किसी भी केस में, इमरजेंसी वगैरह में सारी चीज़ें ये भी मेंटेन करता है, मेंटेन करने के लिए सिंपल, ठीक है। ये भी है। अब एक क्या था, बायोवेपन क्वेश्चन आता है। बायोवेपन मतलब सिंपल किसी ऑर्गेनिज्म को वेपन की तरह यूज करना, जैसे आजकल कोरोना वायरस भी हो रहा है। तो एक वायरस है, एक बैक्टीरिया एंथ्रासिस बैक्टीरिया है, जिसको पहले बायोवेपन की तरह यूज किया गया था, ठीक है। ये सच है। तो यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म होता है। थैंक यू।